अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सट्रीम जी एफ एक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास फेसबुक का कोड रिसीव नहीं हो रहा SMS पे, तो आप किस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि सारा मेथड आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर इस चैनल पे न्यू है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ फेसबुक पे मैं अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर देता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ट्राई अनदर वे पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए सेंड कोड वाया SMS, इस पर मैं चेक लगा के कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कोड रिसीव नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपको दो सोल्यूशन बताऊंगा मैं इसके। तो सबसे पहले आपने यहाँ बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने मोबाइल में अपनी सेटिंग्स ऑन कर लेनी है। सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे सेटिंग्स में आ चुके हैं, तो आपने ऐप्स के लिए सर्च कर लेना है। इसको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन कर लेते हैं। यहाँ ऐप्स मौजूद हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। अगेन ऐप्स पर क्लिक कर देता हूँ मैं। आपके पास अगर डिफरेंट ऐप मैनेजर की इंटरफेस है, तो आपने सिंपली ऐप मैनेजर पे चले जाना और एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे, यहाँ पे मैसेजेस की ऐप है उसको सर्च कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैसेज की ऐप आ चुकी है। इधर हम जाके परमिशंस चेक करेंगे। परमिशन पे नीचे ये देखिए डिनाइड में आया हुआ है SMS, तो यहाँ पे इसको हम अलाउड कर देंगे और अलाउ करने के बाद बैक कर देते हैं इसको। तो ये देखिए हमारे पास सारी परमिशन इसको अलाउड कर दी हैं, और इसके बाद इसको भी बैक कर लेते हैं। यहाँ पे परमिशन ग्रांट करने के बाद आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ अभी। अगर आपका प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, तो आपने यहाँ से इसको बैक कर लेना है। और अब आपने फेसबुक के लिए सर्च करना है। मैं लाइट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लाइट सर्च करता हूँ यहाँ पे फेसबुक। यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले स्टोरेज पे क्लिक करना है और मैनेज स्पेस, एंड आपने सारा डाटा जो है वो क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद कैशी भी इसकी क्लियर कर देनी है। इसके बाद आपने इसको बैक कर लेना है। अब आपने परमिशंस चेक कर लेनी है। ये देखिए सारी परमिशन इसको अलाउ कर देंगे। मैं वन बाई वन इनको अलाउ करता जाता हूँ। आपके पास अगर यहाँ साइड पे स्लाइडर टाइप का आ रहा है, तो आपने वहां से ऑन करते जाना है। मैं यहाँ से सबको ऑन करता हूँ बारी बारी। हेलो, हैव यू सब्सक्राइब्ड एक्सट्रीम GFX? इफ नॉट, प्लीज डू इट नाउ। सारी परमिशन अलाउड करने के बाद आपने इसको बैक कर लेना। मैं अगेन फेसबुक लाइट ऑन कर लेता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे फोन नंबर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, ट्राई अनदर वे। यहाँ पे देख सकते हैं चेक लगा हुआ है फोन नंबर पे, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। कोड सेंड हो चुका है यहाँ पे मेरे नंबर पे। अब देखते हैं हमें SMS रिसीव होता है या नहीं होता। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ चुका है, मैसेज चेक कर लेता हूँ मैं। ये देखिए हमारे पास फेसबुक से मैसेज आ चुका है कोड वाला। तो आई होप कि सारा प्रोसीजर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, किस तरह से आप अपने कोड वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं मोबाइल फोन पे। और आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे न्यू है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट में बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।